हेलो दोस्तों, बिहार खास करके उत्तर बिहार के लिए बहुत ही बड़ी खुशी की खबर आई है, क्योंकि अब बिहार के कई सारे रेलवे स्टेशनों से अमृत भारत ट्रेनें चलने वाली है, जिसका लिस्ट जारी किया गया है, जो बिहार के मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, बरौनी, सहरसा, छपरा, दानापुर और गया जैसे शहरों से चलेगी। तो चलिए जानते हैं डिटेल से आज की इस वीडियो में इन रेलवे स्टेशनों से किन किन शहरों के लिए चलेगी ट्रेनें। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस लिस्ट में पहला स्टेशन है दानापुर। दानापुर से पुणे के लिए अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाई जाएगी। इसके अलावा दूसरे नंबर पर है छपरा। इस रेलवे स्टेशन से भी पुणे के लिए ट्रेन चलेगी। इसके अलावा छपरा से अमृतसर के लिए भी अमृत भारत ट्रेन चलाई जाएगी। तीसरे नंबर पर सीतामढ़ी। यहां से मुंबई के LTT यानी कि लोकमान्य तिलक टर्मिनस तक के लिए ट्रेन चलाई जाएगी। चौथे नंबर पे है दरभंगा। यहां से दो अमृत भारत ट्रेनें चलेगी, जिसमें से पहला न्यू दिल्ली के लिए चलाई जाएगी और दूसरा ट्रेन दिल्ली के रास्ते हिसार तक के लिए चलाई जाएगी। आपके जानकारी के लिए बता दूं, दरभंगा से पहले से भी एक अमृत भारत ट्रेन चल रही है, जो अयोध्या के रास्ते आनंद विहार तक जाती है। पांचवा स्टेशन है गया। गया से कोयम्बटूर के लिए अमृत भारत ट्रेन चलाई जाएगी, जिससे बिहार से दक्षिण भारत जाना और भी आसान और सुविधाजनक हो जाएगी। छठवां स्टेशन है मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर से भी पुणे के लिए अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाई जाएगी। सातवें नंबर पे है सहरसा। यहां से भी दो अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाई जाएगी, जिसमें से एक दिल्ली यानी कि पुरानी दिल्ली स्टेशन के लिए चलेगी और दूसरा ट्रेन अमृतसर के लिए चलाई जाएगी। आठवां स्टेशन है भागलपुर। भागलपुर से उधना यानी कि सूरत के लिए ट्रेन चलाई जाएगी। नौवां है बरौनी। यहां से भी उधना यानी कि सूरत के लिए ही अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलेगी। दोस्तों, ये लिस्ट जो जारी किया गया है वो संभावित लिस्ट है, यानी कि टेंटेटिव लिस्ट है। इस लिस्ट में आगे जाकर के कुछ बदलाव भी किया जा सकता है, लेकिन अगर ये सभी ट्रेनें चलाई गई तो बिहार से इन सभी शहर जाने वाले यात्रियों के लिए बहुत ही बड़ी बात होगी, क्योंकि अमृत भारत ट्रेन कम पैसा में अच्छा सुविधा देता है, जिसमें कोई एसी कोच नहीं रहती है, सिर्फ जनरल और स्लीपर रहता है, जिससे आम मिडिल क्लास और लोअर क्लास के लिए इस ट्रेन में यात्रा करना आसान हो जाता है। तो आपको कैसा लगा इन्फॉर्मेशन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।